नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनवेक्स के एग्ज़ाम है 16 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। 16 सितंबर से 20 सितंबर तक ये एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो एनवेक्स एग्ज़ाम नेहरू विकास संगठन LDC PGT और स्टाफ नर्स के की पोस्ट निकाली गई थी दोस्तों। तो इसके एग्ज़ाम जो है 16 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। मेरे पास दोस्तों कोई डिजिटल बनाया हुआ कोई पैराग्राफ नहीं है, परंतु मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद ने NVS का एग्ज़ाम दिया है 16 तारीख की पहली शिफ्ट में। तो दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ताकि मेरे और भी ऐसे अच्छे वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस था उसी हिसाब से मैंने ये मॉडरेट TR किया है। तो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो देखिए दोस्तों, वो है पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल जो है दोस्तों इजी टू मॉडरेट आया है। हाँ दोस्तों, इजी टू मॉडरेट कहने का मतलब ये है कि अगर आप 120 क्वेश्चन टोटल इसमें आए हैं, 120 में से अगर आप 50 क्वेश्चन बिना पढ़े लिखे भी करके आ सकते हैं, क्योंकि इतना ईजी पेपर आ रहा है कि जो इंसान मतलब हल्की फुल्की पढ़ाई करके भी जाए तो उसके 50 नंबर लाने से कोई नहीं उसे रोक सकता है दोस्तों। सब्जेक्ट लेवल की अगर मैं बात करता हूँ, मेरा सेकंड पॉइंट है सब्जेक्ट लेवल। तो सब्जेक्ट लेवल जो इसमें थे वो थे मैथ्स, रीजनिंग, जर्नल साइंस प्लस अवेयरनेस, हिंदी और जर्नल इंग्लिश एंड कंप्यूटर। तो अगर मैं पहले पॉइंट पे आता हूँ, मेरे सब्जेक्ट लेवल के पहले पॉइंट पे अगर मैं आता हूँ, तो मैथ्स का जो लेवल था मेरा इजी लेवल था। मैथ्स में जो है इजी लेवल मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो दोस्तों इसमें सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन जो थे दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो मैथ्स जो है इजी लेवल पे आ रही है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में थोड़ी सी जो है दोस्तों इसमें सीरीज़ जो है थोड़ी मॉडरेट लेवल की सीरीज़ आ रही है। इसमें सीरीज़ और पजल्स ज़्यादा पूछी जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। और थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पॉइंट जो है मेरा जर्नल साइंस प्लस अवेयरनेस। ठीक है दोस्तों, यह भी अभी का करंट का पूछा जा रहा है। ठीक है, इजी लेवल आ रहा है दोस्तों। जर्नल साइंस भी बहुत इजी आ रही है और अवेयरनेस भी बहुत इजी आ रही है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर मेरा हिंदी और जर्नल इंग्लिश की अगर बात करूँ तो हिंदी का लेवल थोड़ा सा इजी है, परंतु जो इंग्लिश का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट लेवल पर। तो मेरा जो नेक्स्ट है वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है दोस्तों। हाँ, किसी किसी शिफ्ट में इजी लेवल आ रहा है तो किसी किसी शिफ्ट में मॉडरेट लेवल आ रहा है। तो थोड़ा दोस्तों इसका भी ध्यान रखिएगा, आपके ये 20 से 25 नंबर जोड़ सकता है कंप्यूटर सब्जेक्ट। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों अटेम्प्ट की, कि क्वेश्चन आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चंस जो है टोटल है 120 क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चंस में से अगर आपको ये पेपर क्लियर करना है तो 95 to 105 तक को आपके अटेम्प्ट होने ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप खुद देख लीजिए, इसका ओवरऑल अगर मैं निकालूँ तो पेरा पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट, यानी मैं कह सकता हूँ कि बहुत ईजी लेवल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अटेम्प्ट जो है आपको 120 में से 95 to 105 तो करने ही करने हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मेरे चलता हूँ तो कट ऑफ की बात की जा रही है दोस्तों। तो कट ऑफ की अगर मैं बात बताऊँ दोस्तों, तो अगर मैं कट ऑफ में जो है प्रॉपर अभी बता नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए दोस्तों, एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर शिफ्ट के मिला के जो है कट ऑफ निकाली जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सेकंड में एक क्लिक करने में आपका कुछ नहीं जाता है दोस्तों। ठीक है, और मेरे सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे और भी नए वीडियो आपको मिल सकें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.